साथियों, गरीबों के घर बनाने में तो त्रिपुरा ने देश के अनेक बड़े बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं। आपने जो काम किया है गरीबों का घर बनाने का, आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। ऐसा काम आप लोगों ने किया। मैं दिल्ली से जब भी यहां की वाम सरकार को, क्योंकि मैं 14 में आया तो उस समय तो यहां वामपंथियों की सरकार थी, और उस समय मैं गरीबों के घर तेजी से बनाने के लिए कहता था तो वो सुनते ही नहीं थे, उनको परवाह ही नहीं थी। उनकी प्राथमिकता 1 पॉइंट एजेंडा था, क्या? चंदा उगाही, चंदा इकट्ठा करो बस, और लोगों को डराओ, झंडा गाड़ो, और झंडा नहीं गाड़ा तो डंडा मारो, यही काम था उनका। जैसे ही आपने यहां डबल इंजन सरकार बनाई तो देखते ही देखते त्रिपुरा के 3 लाख गरीब परिवारों को अपने घर मिल गए। छोटा सा त्रिपुरा, 3 लाख परिवारों को पक्का घर मिलना, ये अपने आप में आजादी के 75 साल में नहीं हो पाया भाई। आज त्रिपुरा में हजारों नए घरों पर काम चल रहा है, और मैं मेरे सभी त्रिपुरा वासियों को कहना चाहता हूं, जो इस गरीबों के लिए घर की योजना है उसके जो लाभार्थी हैं, अगर अब तक उनको घर नहीं मिला है, आपको मैं विश्वास देता हूं, 16 तारीख को मतदान के बाद हमारी जब सरकार बनेगी, फिर से गरीबों को घर देने का काम आगे बढ़ेगा। और आप विश्वास कीजिए, ये आपके सेवक, आपके मोदी का आपको वादा है, वादा। इस वर्ष के केंद्र सरकार बजट में भी हमने रिकॉर्ड लगभग 80,000 करोड़ रुपए हमने गरीबों के लिए घर बनाने के लिए खर्च करना तय किया है। इसलिए जब 16 फरवरी को आप वोट डालने जाएं तो याद रखिएगा, लेफ्ट कांग्रेस वालों की इन पैसों पर नजर है, ये पैसे लूटना चाहेंगे, आपको पक्का घर कभी नहीं देने देंगे। भाइयों और बहनों, हमारी माताओं बहनों की जिंदगी की बहुत बड़ी चिंता घर में पानी की भी रहती है। इतने दशकों में भी त्रिपुरा के बहुत ही गिने चुने परिवारों के पास घर में नल से जल आता था, लेकिन डबल इंजन सरकार के प्रयासों से आज त्रिपुरा के 4 लाख से अधिक परिवारों को पाइप से पानी की सुविधा मिल चुकी है। और मां की माताओं बहनों को भी मैं कहना चाहता हूं, आपको सर पर जो पानी उठा करके लाना पड़ता है ना, ये आपका बेटा आपको इससे भी मुक्ति दे देगा और पाइप से पानी लेके आएगा। आप देखिए, घर बनाने की बात हो, पानी पहुंचाने की बात हो, टॉयलेट बनाने की बात हो, धुएं से मुक्ति के लिए गैस का कनेक्शन देना हो, या हमारे हर गरीब परिवार को बीमारी में इलाज की सुविधा देनी है, तो अधिक से अधिक लाभ मेरे गरीब परिवारों को, वंचित परिवारों को, और उसमें भी मेरी माताओं बहनों को, बेटियों को मिला है। इनके अभाव में सबसे अधिक परेशानी अगर किसी को होती है
पानी नहीं है तो परेशान कौन? मां बहने। बिजली नहीं है तो परेशान कौन? मां बहने। घर में राशन नहीं है, परेशान कौन? मां बहने। हर मुसीबत माताओं बहनों को, और ये बेटा आपकी हर मुसीबत को समझता है, उन मुसीबतों से आपको मुक्ति दिलाने के लिए ये आपका बेटा दिन रात काम करता है। और इसलिए माताएं बहने, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। आज गरीब परिवार की बहनों के नाम पर अपने घर हो रहे हैं तो हमारी माताओं बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। मैं त्रिपुरा बीजेपी को महिलाओं के लिए एक संकल्प पत्र अलग लाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं त्रिपुरा बीजेपी को बहुत बधाई देता हूं, आपने बहुत उत्तम काम किया है। ये माताओं बहनों बेटियों की सेवा के लिए डबल इंजन सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है।